अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपका? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अभी मैं और सुजान जा रहे हैं गुजरान, उसने बाइक का काम करवाना है, टैंकियाँ टापे चेंज करानी है, कुछ और काम कराना है, तो अभी हम जा रहे हैं गुजरान। हम जी दोनों बाइक लेके जा रहे हैं। फजान नए वाला चला रहा है, मुझे पुराने वाला बाइक दिया जी, तो हम दोनों बाइक लेके जा रहे हैं, इसका भी कुछ काम कराना है उधर से। अभी जी मेरे पास 25 है, आपके पास 19 है, हमने 10 साल के जी उधर। हम लोग जी पहुंच चुके हैं जी। ये देखिए जी मेरे बालों के हालात कितने बुरे हो गए हैं। जी मैंने 15 खड़ा किया है, ये यूनाइटेड है जी। तो अभी टैंकियाँ टापे चेंज कराएंगे, फिर उसके बाद कुछ और। ये देखें जी फिजान साहब देख रहे हैं लड़के सही काम कर रहे हैं कि नहीं। अभी जी बाइक की टैंकी टापे चेंज करानी है, तो अभी देखते हैं फिजान साहब क्या प्लान है। मैं जब भी शोरूम पर खड़ा हूँ, इधर मेरा कज़न काम करता है, फिजान पिंडी चला गया, उसने वो यूनाइटी को जो खड़ा करके आना था वो पिंडी चला गया, तो उधर मेरा कज़न पिंडी गया हुआ है, उसके साथ वापस आएगा, फिर हम करते हैं। अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ। ये देखें जी मोटरसाइकिल ही मोटरसाइकिल हैं, इस तरह रक्षे हैं। ये है जी शोरूम यूनाइटेड का गुजर खान। आपने भी बाइक लेना हो, ये नंबर लिखा हुआ है, आप रब्ता कर सकते हैं। मैं जा रहा हूँ जी बाजार की तरफ, मैंने सोचा है फारूक ही बैठा हूँ, बाजार की तरफ से आते हैं, साथ में कुछ खा पी लेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ बाजार। मोटरसाइकिल का ऑयल भी चेंज करवा लिया है, डेकोरेशन का काम थोड़ा बहुत करवाना था, वो भाईजान अभी नमाज पढ़ने गए हुए हैं, थोड़ा बहुत उन्होंने कर दिया है। टंकी और टापे हमने पहले ही तैयार करवा लिए थे, तो अभी थोड़ा बहुत काम रहता जी। जब तक भाईजान काम करेंगे उस वक्त तक फिजान भी वापस आ जाएगा जी पिंडी से, फिर हम घर चलेंगे जी। मेरे ख्याल में कोई और काम तो नहीं है, मेरा कज़न आता है, मैं उसे पूछता हूँ, जो शोरूम पे होता है उसको पता है, फिजान उसको बता के गया क्या क्या करवाना है जी बाइक का। फिलहाल मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं आपको एक ही दिखाता हूँ जी, ये देखें जी ढक्कन के ऊपर शेरवा स्टिकर भाईजान ने अपनी मर्जी से लगाया, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें जी दोनों 125 हैं, एक जैसे तैयार हुए हैं, कुछ चीज़ें मुख्तलिफ है, वैसे तकरीबन एक जैसे हैं। जिसके ऊपर पलते लगे हुए हैं सीट पे, ये मेरे कज़न का है, ये दूसरा फिजान का है जी।
इतनी अंधेरा हो चुका है, फजान साहब अभी तक वापस नहीं आए। मोटरसाइकिल का सारा काम हो चुका है, ये दोनों मोटरसाइकिल खड़े हैं। एक मेरे कज़न कैब हो चुकी है, हमजा नाम है उसका, फजान का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी जी हम घर की तरफ निकलने लगे हैं, कुछ दवाइयाँ लेने की दीवार से थे, वो मकीत और फिजान लेने गए हैं, फिर हम घर चलेंगे। हम लोग जी खैर खैरियत के साथ घर पहुंच चुके हैं। सर्दी में बुरे हालात हो गए नहीं मेरे, बहुत ठंड लगी है जी वापसी भी आते हुए। फिजान के पास तो हेलमेट था, उसने जैकेट भी पहनी हुई थी, मेरे पास चादर तो है थी। ये कानों को बहुत ठंड लगी है जी। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ये देखें जी मेरे कज़न ने बाइक के पीछे लिखवाया हुआ है जी, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। इसके साथ होना चाहिए था, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। पेनाडॉल की गोली का जैसे इस्तेमाल नहीं आता वो साहब इसने बनाया हुआ है। मेरे ख्याल में ये भी होना चाहिए था, बच्चों के साथ दूरों की पहुँच से भी दूर रखें, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। वाइफाई चलाने के लिए डॉक्टर के मशवरे पर ज़रूर अमल करें। कैसा लगा मेरा मजाक?